केपलर्स के लॉ हमने पढ़े हुए हैं, हमने रोटेशनल मोशन में पढ़े थे। केपलर के कितने लॉस थे? तीन। फर्स्ट लॉ ये कहता था कि सन सेंटर पे नहीं है, अर्थ एलिप्स में घूम रही है, प्लैनेट एलिप्स में घूम रहा है और सन फोकस पे है, साइड पे है। सेकेंड लॉ कहता था एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज अ कॉन्स्टेंट, उसका प्रूफ हमने रोटेशनल मोशन में किया था। थर्ड लॉ क्या कहता था? टाइम पीरियड अर्थ या किसी प्लैनेट घूमने का अगर कैपिटल टी है और आर रेडियस में अगर अर्थ घूम रही है तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, पर मैंने रोटेशनल मोशन में इसका प्रूफ नहीं करवाया था। तो हम क्या करने जा रहे हैं? केपलर थर्ड लॉ का प्रूफ। तो फर्स्ट लॉ का प्रूफ नहीं करना हमने, सेकेंड लॉ का प्रूफ रोटेशनल में कर लिया, थर्ड लॉ का प्रूफ केपलर का ग्रेविटेशन में। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ये सन, सन के सामने वो एक अर्थ जो कि पॉइंट है, तो सन और अर्थ के सेंटर में दूरी क्या है? स्मॉल आर। तो इसका कैपिटल आर कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता सन के सामने। सन के सामने मतलब ये क्या बोलेगी अर्थ कि मेरा रेडियस बड़ा आर है? ओके, सन कहेगा मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तू पॉइंट है मेरे लिए, तो पॉइंट की तरह काम कर रही है। तो कैपिटल आर की बात ना करें, स्मॉल आर की बात करें। तो दोनों में दूरी स्मॉल आर है, अर्थ सर्कल में घूम रही है, तो इसके पास क्या है? सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल क्या है अर्थ के पास? एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपिटल? अर्थ, सन का ग्रेविटेशनल पुल। सन का ग्रेविटेशनल पुल क्या है? जी बड़ा एम छोटा एम बाय आर का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ये सन का मास है और ये अर्थ का मास है, ये अर्थ का मास है। देखो मासेस में ध्यान से, कौन घूम रहा है? अर्थ। तो सेंट्रिपिटल में मास किसका है? अर्थ का। इनमें तो दोनों का मास है, एम से एम कैंसिल, अर्थ का मास कैंसिल, ये वेलोसिटी आ गई। क्या ये वेलोसिटी देखी लगती है? कौन सी वेलोसिटी है? देखी हुई है, फॉर्मूला रजिस्टर भी चेक कर सकते हो। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी यही थी। अर्थ के लिए वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने निकाल ली। सन के लिए अर्थ भी तो सैटेलाइट है, तो जो काम सैटेलाइट अर्थ के लिए कर रही है वो काम अर्थ सन के लिए कर रहा है, सेम फिनोमेना। तो आप को पता ही है ऑर्बिटल वेलोसिटी है। हाँ, फर्क ये है कि कैपिटल आर की जगह यहां पर स्मॉल आर है। तो टाइम पीरियड, एक चक्कर अर्थ कितनी देर में काटती है? डिस्टेंस, एक चक्कर का डिस्टेंस क्या है? 2 पाई आर। और वेलोसिटी क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट ऑफ gm बाय स्मॉल r, इसको रेसिप्रोकल लिया तो ये टर्म आ गई, r अंडर रूट में जाएगा तो r स्क्वायर इनटू r क्या हो जाएगा? r का क्यूब। यहां से आप स्क्वेयरिंग करें तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर r क्यूब gm, कांस्टेंट 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 एंड कांस्टेंट, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, केपलर का थर्ड लॉ। यही केपलर का थर्ड लॉ है, प्रूफ।